देखिए ये पत्थर है काफी पुराना, इसमें ये छेद भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सेवन ठाकुर। तो गाइस हम आ चुके हैं चंबल घाटियों के बीच एंड आज जाने वाले हैं अनदर लोकेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो जो बहुत जबरदस्त होने वाली है, बने रहिए आप वीडियो में कंटिन्यू। और आप देख सकते हैं कि कुछ हमारी लोकेशन की रास्ता इस तरीके की है। सो गाइस, मनसापुर हनुमान जी के मंदिर पर हम जाने वाले हैं एंड उस जगह कभी जब डकैत रहते थे और डाकू बागी लोग रहते थे तो वहाँ पे वो ही पूजा करते थे। तो चल देखते हैं कि किस तरीके का मंदिर होने वाला है, किस तरीके की लोकेशन होने वाली है। तो वीडियो में आप कंटिन्यू। सो गाइज, हम मंदिर के बहुत आप पास पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं देखते हैं कैसा माहौल होता है, कैसा लोकेशन होता है। एंड आज मंगलवार का दिन है तो आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ लोग मिलेंगे वहां पे। पार आ गया पंडित जी। तो हमें पंडित जी मिल चुके हैं तो उनसे आशीर्वाद ले लिया है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको लोकेशन एंड मंदिर। तो गाइज यहाँ पे नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो गाइज देखिए, एक पत्थर डला मिला है, पत्थर है बहुत डिजाइन वाला, बहुत पुराना पत्थर है, देख सकते हैं आप। देखिए ये पत्थर है काफी पुराना, इसमें ये छेद भी है। आई थिंक क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, कुछ होगा पहले का, काफी पुराना पत्थर दिख रहा है। तो मंदिर ऊपर है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, मंदिर ऊपर जूम करके दिखा देता हूँ। और कुछ काम भी चल रहा है वहाँ पे। तो हम उस टीले पर आ चुके हैं, मंदिर का टीला है जो, और काफ़ी पसीना आ जाता है गाइस वीडियो बनाने में, बहुत गाइस मेहनत लगती है एंड पूरे पसीने से भीग जाता हूँ। इधर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, इधर दिखा देता हूँ लोकेशन, देख सकते हैं आप कितने ऊंचे टीले पर हम आ चुके हैं। देखिए इधर, देखिए इधर, देख सकते हैं कितना ऊंचा टीले पर आ चुके हैं हम। हमारी मंदिर जिस टीले पर है उस जगह आ चुके हैं। तो चलिए चलिए मंदिर पर चलते हैं, देखते हैं कुछ लोग हैं आज मंदिर पर। एंड अदर दिन कोई आते हम तो आई थिंक यहाँ पे कोई नहीं मिलता। तो कंटिन्यू आप बने रहिए वीडियो में। राम राम ताऊ जी। तो गाइस ताऊ जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप देख लो। और चल चलिए चलते हैं, पहले मंदिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस बने रहिए, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ऊंचा टीला है। यहाँ पे हम
यहाँ पे मंदिर है। तो बने रहिए आप अपने वीडियो में। तो आज की कुछ इस तरीके से रास्ता होने वाली है। हम मंदिर पर जाने वाले हैं, ऊपर हनुमान जी का मूर्ति जो है ऊपर है एंड जीने से हम ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, तो गाइस मैं आपको हनुमान जी का दर्शन करवा देता हूं। पहले देख लीजिए, काफी पुराना मंदिर है, आप भी दर्शन कर लीजिए एंड जो कुछ भी कहना हो आप कह सकते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी हो पूर्ण होगी। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड काफी ऊंचे टीले पर हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ से लोकेशन दिखाते हैं आपको, पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है, देख सकते हैं आप। काफी ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं अभी, आप नीचे देख सकते हैं जो हमारा नीचे से हम आए हैं वो बहुत नीचा है और हम काफी ऊंचाई पर अभी खड़े हुए हैं। अभी मंदिर बन रहा है, काम चल रहा है यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं पिलर खड़े हुए हैं, मंदिर अभी बन रहा है, काफी अच्छा बनने के बाद दिखेगा। तो मैं फिर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा। सो गाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सो ब्यूटीफुल प्लेस एंड ब्यूटीफुल टेम्पल, तो देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी लोकेशन है। सो गाइज मैंने आपको दिखा दिया है मंदिर की लोकेशन, मंदिर का लोकेशन दिखा दिया है और हम मैं आते हैं फौजी तावड़ी से, जो अपनी फौज की रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे शरण में आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर पे। तो मिलते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ पे मतलब अपनी रिटायरमेंट करने के बाद और यहाँ पे कैसे शिफ्ट हुए बताइए। भाई श्रद्धा है हमारी हनुमान जी महाराज से, कलयुग के अंदर हनुमान जी महाराज हैं जो कुछ भी हैं देवताओं में, और हनुमान जी की जो शरण में जाता है वो कभी दुख नहीं पाता है। हनुमान जी है एक ऐसे जो कि हनुमान जी का जो मंत्र दिया था उन्होंने रावण को कि आप भगवान की शरण में चले जाओ, तो रावण तो अपने घमंड में बोला कि की दो श्रवण सुने नहीं मोही, लागे अदम सठ सिखावन मोही, यानी तू सठ मुझे सिखा रहा है, तूने तेरे कानों से मेरा चारों युग का प्रताप सुना नहीं है क्या। लेकिन पास में विभीषण खड़े, तो विभीषण ने देखा तब बोला है तुमरो मंत्र विभीषण माना, यानी जो हनुमान जी उनसे रावण से बोल रहे हैं उनका मंत्र जो है ना मान करके विभीषण ने उसको अपना लिया, तो राम मिलाए राजपद दीना, तब वहाँ जो है ना विभीषण को राम का शरण भी मिली और राजपद भी मिला, दोनों मिले। और कलयुग में हनुमान जी ऐसे हैं जिन्हें किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं है, पुकारो तो वेग हवा के साथ में उड़ के हनुमान जी यहाँ आ जाते हैं। तो जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो गाइस जैसे कि आपने सुना ताऊ जी ने बहुत कुछ बताया, आपको कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पे ताऊ जी ने बहुत कुछ किया हुआ है, यहाँ पे पानी व्यवस्था है सारा सब कुछ और मंदिर अच्छा बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ताऊ जी एंड तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कब तो रहे हनुमान जी की कृपा से हो रहा है सर, हम तो एक निमित्त मात्र उनके यहाँ चरण सेवक हैं मामूली से, और उनके स्थान पे जो कुछ भी बनता बिगड़ता है तो जो समय लगता है अपन देख लेते हैं, पूरी जिंदगी निकल गई अपना पेट भरने में, तो पेट भरने के अलावा तो कुछ किया नहीं है। लेकिन अगले जन्म की पूंजी ये जरूर पक्की है, निश्चित है कि अगले जन्म में ये पूंजी मेरी पक्की है, गारंटेड है, ये मेरे साथ है। तो भाई आप भी अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बहुत ही जरूरी है आगे अपनी
लाइफ में कुछ कीजिए। एंड तो चलिए, मैंने आपको लोकेशन दिखा दिया है, मंदिर दिखा दिया है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। ताऊ जी हर मंगलवार को यहाँ पे पांच साल हो गई है, रामायण अखंड रामायण चल रही है, पांच साल हो गई है। रामायण हर सोमवार को बैठाते हैं और मंगलवार को विसर्जन होता है, हवन कराके और दो दिन की ड्यूटी यहाँ पक्की करते हैं। और अगर कोई कार चलता है यहाँ पर, उनके मंदिर निर्माण का कार चल रहा है, कोई कार चल रहा है यहाँ पर, तो हम या फिर परमानेंट रहते हैं, नहीं तो फिर अपना दो दिन की ड्यूटी हम यहाँ करते हैं हनुमान जी महाराज के यहाँ। तो गाइस आप भी कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, और बहुत जरूरी है। तो गाइस आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जबरदस्त आने वाला है, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड जय हिंद।